फ्रेंड हम लोग आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेकर आए हैं, नए एपिसोड लेकर आए हैं। काफ़ी सारे लोगों के फ्रेंड कमेंट आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम जो कमेंट आप लोग करते हैं तो पूरा डिटेल में बता पाएँ, हम आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाएँ। तो हमने फ्रेंड अपने इस एपिसोड का जो नाम रखा है वो यही रखा है कि आप लोगों के सवाल और हमारे जवाब, संडे कमेंट के नाम से हमने ये एपिसोड अपना स्टार्ट किया है। और आज अपना ये संडे कमेंट का एपिसोड का पहला भाग है। तो फ्रेंड इसके अंदर आप लोगों के जो भी सवाल हैं, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, बजाज क्यूट से रिलेटेड, बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से रिलेटेड, या कॉम्पैक्ट CNG, कॉम्पैक्ट LPG, जो भी अपना ऑटो रिक्शा आपका है बजाज के आपके पास, तो आप उनके सवाल फ्रेंड कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आप लोगों के सवालों का बेहतर से बेहतर जवाब दिया जाए। आप इंग्लिश में भी कमेंट कर सकते हैं और हिंदी में भी कमेंट कर सकते हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप कमेंट करें वो थोड़ा क्लियरली करें, जिससे कि मेरे को समझ में आए तो मैं उसका आंसर आप लोगों को सही तरीके से एक बार में एक्यूरेट दे पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं हूँ इमरान अहमद मनोरम ऑटो जागरा से, और आप सभी का स्वागत है फ्रेंड अपने यूट्यूब चैनल इमरान ऑटो टैग में। तो फ्रेंड पहला कमेंट लेते हैं आज का एपिसोड का। RG ऑटो व्लॉग्स ने क्वेश्चन किया था कि सर BS6 ऑटो चालू नहीं होता है, तो देखिए इसके लिए BS6 अगर आपके पास ऑटो है और गाड़ी चालू नहीं हो रही है आपकी, तो देखिए सबसे पहले आप उसमें चेक कराइए कि जब गाड़ी में आप सेल्फ लगाते हैं तो आपका जो ST कॉइल होता है, जो स्पार्क प्लग होता है, उसके ऊपर स्पार्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेकेंड नंबर हमें क्या चेक करना है, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की है तो आपको देखना है पेट्रोल इंजेक्टर पर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर CNG है या LPG है तो आपको चेक करना है कि वहाँ पे गैस का प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी के अंदर स्पार्क भी ओके है, CNG या LPG गैस भी प्रॉपर है, बट उसके बाद भी गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो फ्रेंड क्या हो सकता है, हो सकता है कि इंजन से रिलेटेड गाड़ी में आपकी कंप्रेशन नहीं हो, या आपकी गाड़ी का टाइमिंग आउट हो गया हो, है ना, या एयर का वगैरह का फ्लो नहीं आ रहा हो। तो एक बार इस तरीके से आप डिटेल में एक बार चेक कराइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है नरेंद्र कुमार जी का, जिनका सर XL कार्गो ऑटो चलते चलते बंद हो जाता है, देर से स्टार्ट होता है। तो इन्होंने जो कमेंट किया है, इनके पास XL कार्गो गाड़ी है जो कि चलते चलते बंद हो जाती है और स्टार्टिंग गाड़ी की ट्रबल रहती है। तो सबसे पहले नरेंद्र जी आप अपनी गाड़ी का एक बार स्पार्क प्लग चेक कराइए। सेकंड नंबर अपनी गाड़ी का टेपिट एडजस्टमेंट करा लीजिए, क्योंकि जो टेपिट एडजस्टमेंट होता है BS6 गाड़ी के अंदर फ्रेंड उसका रोल बहुत बड़ा होता है। उसका जो हमें गैप रखना है वो इनलेट साइड का होना चाहिए 0.05 mm से 0.07 mm, और एग्जॉस्ट साइड का होना चाहिए 0.10 mm से 0.12 mm। तो चलिए फ्रेंड अपना तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, अक्षय गायकवाड़ जी का है। उन्होंने पूछा है सर आप गाड़ी में कौन सा ऑयल डालते हैं। तो फ्रेंड हमारे यहाँ जो गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल डाला जाता है वो डाला जाता है बजाज का, आता है परफॉर्मेंस प्लस के नाम से। अगर आप भी ये ऑयल यूज़ करते हैं तो अच्छा ऑयल है, क्वालिटी अच्छी है। बाकी आप कैस्ट्रोल GTX को भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑयल भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। सर OBD PK जी का क्वेश्चन है ये, सर OBD से ECU अपडेट होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं सभी लोगों को, जो ECU होता है गाड़ी का उसे अगर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो सिर्फ खाली हम बजाज का जो DNF टूल आता है सिर्फ आप उसी से उसे अपडेट कर सकते हैं, बाकी OBD से आप टूल को ECU को अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पाँचवा क्वेश्चन लेते हैं, ये जूनियर स्टोरी वर्ल्ड के नाम से उनका था ID। बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो में GPS होता है क्या सर। तो हाँ जी, मैं आपके लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर चाहे वो आपका कार्गो मॉडल हो चाहे वो आपका कॉम्पैक्ट मॉडल हो, इसके अंदर GPS आता है जो कि लोकेशन वगैरह ट्रेस करके बताता है। बाकी उसके अंदर ये भी आपको मालूम चलता रहता है घर बैठे कि आपकी गाड़ी के अंदर SOC कितनी है, गाड़ी के अंदर आपकी किलोमीटर कितनी हो चुकी है, ड्राइवर इस समय आपकी गाड़ी को लेकर कहाँ पर जा रहा है, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी इसके अंदर। तो फिर छठा सवाल है हमारा मोहसिन खान जी का, जिन्होंने किया है अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम मोहसिन जी, क्या मैक्सिमा जेड ऑटो को फुल वाटर से सर्विस कर सकते हैं। तो देखिए मोहसिन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग हमारे BS6 गाड़ियाँ चला रहे हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड, आप जितना कोशिश हो सके, पहला नंबर जो प्रेशर होता है पानी का उससे गाड़ी को अवॉइड करिए, यानी कि अगर आप गाड़ी की वॉशिंग कराते हैं जल्दी, तो एक तो मैं एडवाइस दूंगा ज़्यादा जल्दी ना कराएं, जितना हो सके उतना बचाएं। सेकंड नंबर, अगर आप गाड़ी की वॉशिंग करा रहे हैं तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि पहला नंबर जो आप गाड़ी को वॉश कराएं तो जितने भी हमारी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, तो डायरेक्ट सीधा जो पानी का प्रेशर होता है हमें उन कंपोनेंट्स पे, उन सेंसर्स पे, उन ECU पे नहीं लगवाना है, ये आप वॉशिंग वाले को बोलें। दूसरी बात, वॉशिंग वाला जो है वॉशिंग जो करेगा उसका जो पाइप होना चाहिए, उसका फ्रेंड जो नोजल होता है उसका जो एंगल होना चाहिए वो 15 डिग्री के आसपास उसका एंगल होना चाहिए नोजल का। दूसरा, जो उसका प्रेशर होना चाहिए वो 20 बार के आसपास होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो पाइप की दूरी होनी चाहिए गाड़ी धोते समय
वो 1 मीटर कम से कम उसकी दूरी होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से गाड़ी की वॉश कराते हैं तो आपके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह पे कोई इशू नहीं आएगा, गाड़ी वायरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसके विपरीत कराते हैं, मान लीजिए आप प्रेशर भी ज़्यादा है, पास से भी धुलवा रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स में बराबर से पानी में लगवा रहे हैं, तो फिर आपकी गाड़ी के अंदर आपको जल्दी ही इलेक्ट्रिकल संबंधित गाड़ियों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। 7वां क्वेश्चन है महेश बरकरे जी का, सर जी बार बार क्लच प्लेट क्यों खाती है? यानी इनका ऑटो है और इन्होंने पूछा है सर बार बार गाड़ी का क्लच प्लेटें क्यों ख़राब हो जाता है। तो महेश जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है क्लच का ऊपर, तो आप लोग एक बार चैनल को विजिट कर लीजिएगा। बाकी जब भी गाड़ी का आप क्लच का जो लीवर होता है हमारा, उसका फ्री प्ले का रोल फ्रेंड बहुत बड़ा होता है, तो हमेशा क्लच के लीवर में जो फ्री प्ले होना चाहिए वो 30 से 5 mm का प्ले होना चाहिए। 3 से 5 mm फ्री प्ले क्लच के लीवर में हमेशा होना चाहिए। सेकंड नंबर, जो क्लच का केबल होता है वो बिल्कुल एकदम स्मूथ चलना चाहिए, फ्रीनेस होना चाहिए, क्लच केबल आपकी हार्ड नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो पीछे इंजन पे क्लच का लीवर लगा रहता है वहाँ एक छोटी स्प्रिंग लगी रहती है, उसके अंदर भी 1.5 से 2 mm का प्ले होना चाहिए लीवर पे। और उसके बाद अगर बात करते हैं हम जब गाड़ी को ड्राइव करने की, तो मैंने काफ़ी सारे ड्राइवरों को ऐसा देखा है कि गाड़ी गियर में होने के बाद भी वो क्लच को दबा के यानी कि हाफ क्लच पे गाड़ी चलाते हैं, तो इस कंडीशन में फ्रेंड आपकी गाड़ी के अंदर जल्दी जल्दी क्लच प्लेट ख़राब होंगी। क्या क्या बताया है मैंने, एक क्लच के लीवर का फ्री प्ले, सेकेंड नंबर क्लच का जो केबल है आपका स्मूथ होना चाहिए, फ्रीनेस होनी चाहिए उसके अंदर, एक पीछे वाला जो क्लच का लीवर होता है वहाँ पे 1.5 से 2 mm का प्ले होना चाहिए, उसके बाद जो हमारी ड्राइविंग हैबिट है वो हाफ क्लच पे हमें गाड़ी को नहीं चलाना है। गाड़ी चलाते समय क्लच लीवर से आपका हाथ अलग होना चाहिए, सिर्फ खाली जब आप गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं उसी समय आपको क्लच का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपनी गाड़ी को रखेंगे तो आपकी गाड़ी के अंदर जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बावजूद फ्रेंड एक चीज़ और होती है, वो होता है अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल। आप गाड़ी के अंदर अगर अपनी अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल डालेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। तो चलिए 8वां क्वेश्चन लेते हैं, मोहम्मद फैजल जी का है, भाई BS4 का टेपिड क्लियरेंस कितना होता है? तो मोहम्मद जी, फैजल जी, अपना जो BS4 गाड़ी है उसका जो टेपिड क्लियरेंस आपको रखना है वो 0.04 से 0.06 mm आप रख सकते हैं इनलेट वाला, और 0.08 mm से 0.12 mm आप रख सकते हैं एग्जॉस्ट वाला, जी BS4 गाड़ी के लिए। 9वां क्वेश्चन है मसूद आलम जी का, सर CNG ओवरहीट क्यों होती है? तो मसूद जी, CNG ओवरहीट होने का जो रीज़न है वो वही है, सबसे पहला स्पार्क प्लग का आपका या तो गैप प्रॉपर नहीं है या स्पार्क प्लग ख़राब है। सेकंड नंबर, आपकी गाड़ी का जो बाल्व है उसका टेपिड सेटिंग प्रॉपर नहीं कर रखा है, ज़्यादा टाइट कर दिया है तो भी हमारी गाड़ी ओवरहीट होती है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 9वां क्वेश्चन लेते हैं मुकेश सिंह जी का, कैस्ट्रॉल GTX 20W50 डाल सकते हैं क्या? हाँ मुकेश जी, अपनी गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल रिकमेंड होता है वो 20W50 ही होता है, तो आप कैस्ट्रॉल GTX का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कि आपको बताया, बजाज का भी जो आता है ऑयल परफॉर्मेंस प्लस के नाम से, वो ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन लेते हैं अरूप देवनाथ जी का, दादा P1502 फाइल कोड आ रहा है। तो फ्रेंड, अगर आपकी कभी भी गाड़ी आपके पास आई, आपने स्टार्ट गाड़ी थी, उसमें इंजन लाइट जल रहा था, चेक लाइट जल रहा था, जैसे MIL का लाइट बोलते हैं, आपके पास OBD था या DNF टूल था, आपने वो कनेक्ट किया और वहाँ पे कोड अगर आपको देखने को मिलता है P1502, तो ये फ्रेंड हमारा कोड होता है रोल ओवर सेंसर के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको रोल ओवर सेंसर वाला सर्किट को चेक करना होगा। हो सकता है या तो उसका कोई वायर टूटा हुआ होगा, या हो सकता है आपकी गाड़ी का रोल ओवर सेंसर ख़राब हो गया होगा, या हो सकता है कि आपकी गाड़ी का जो ECU सिग्नल सही तरीके से काम नहीं करा पा रहा होगा, तो आप इस चीज़ को चेक करिएगा। और फ्रेंड, मैं आगे भी चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस निकाल कर लेकर आऊँ, जिससे कि आप लोगों को काम करने में आसानी रहे। आप मैकेनिक भाई हैं, आप गाड़ी ओनर हैं, आप गाड़ी ड्राइवर हैं, तो आपकी सेविंग हो पाए, आपका खर्चा कम हो पाए और आपको ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान मिल पाए, जिससे कि आपको तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़े। और फ्रेंड, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और फ्रेंड जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।